मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज की क्लास में हम अपना जो पार्ट दो है, पार्ट दो जिसका नाम है जोड़ना और घटाना, उसका रिवीजन शुरू करेंगे। और पार्ट जो दो है उसमें जोड़ और घटाना वाले, जोड़ और घटाओ वाले जो प्रश्न है वो आपको सबको आता होगा। तो हम जो है इसके इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं जिसमें हमें क्या होता है, प्रश्न दिया हुआ होता है और हमें उसमें देखना होता है कि हमें उसमें जोड़ना है या घटाना है। अब मैंने जो ये प्रश्न दिए हैं वो मैंने आपकी जो जो एक्सरसाइज है, जो अभ्यास है आपकी, जो पार्ट दो के अभ्यास है उसमें से मैंने ये प्रश्न नहीं लिए। उसका क्या रीज़न है, मैंने वो प्रश्न क्यों नहीं लिए? एक तो पहली बात की मैंने वो प्रश्न पहले करा दिए थे, अब मैं रिवीजन में वापस वो प्रश्न क्यों नहीं करवा रही हूँ? क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ज़रूरी नहीं है कि आपके वही क्वेश्चन आए, आपको प्रैक्टिस करनी है उन क्वेश्चंस की भी, और ऐसे ही उससे संबंधित दूसरे प्रश्न भी आपको आने चाहिए जिसमें जोड़ और घटाना होता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ वही करेंगे तो उसका मतलब तो एक तरीके से रटना हो गया, ठीक है? तो आपको मैं जो है उन क्वेश्चंस के अलावा, उन प्रश्नों के अलावा दूसरे प्रश्न करवा दूँ। जैसे जोड़ते हम किस किस प्रश्न में हम जोड़ करते हैं, तो अगर आपसे किसी भी प्रश्न में कुल संख्या पूछी जाए कि ये बताओ कि इसमें कुल कितनी संख्या होगी, दोनों को मिलाकर कितनी संख्या होगी, इस तरीके से अगर प्रश्न होते हैं तो हम उसमें जोड़ते हैं। और घटाते कब है, जब ऐसे पूछा जाए शेष राशि कितनी बचेगी या दो संख्या के बीच में अंतर की बात होती है तो ऐसे प्रश्न में हम घटाते हैं। इसके अलावा भी देखते हैं और किस प्रश्न में, तो आपको प्रश्न का मतलब समझ में आना चाहिए और उसके हिसाब से हम प्रश्न करते हैं। तो विजय को घर की मरम्मत के लिए 9175 रुपये की आवश्यकता है। घर की मरम्मत के लिए उसको कितने रुपए की आवश्यकता है, 9175 रुपये की। वह 1225 रुपये का जूट, 5025 रुपये की गाय और 1900 रुपये की क्या करता है, वो बकरी बेचता है। उसे और कितनी राशि की आवश्यकता है, कुल मिलाकर उसे इतने रुपए चाहिए। अब उसके लिए वो क्या करता है, उसके पास जूट होगा, वो इतने रुपीज़ में, इतने रुपए में वो बेच देता है, इतने रुपए की गाय बेच देता है, 1900 रुपए की बकरी बेच देता है, ठीक है? ताकि उसको ये वाला जो है, जिसको उसके जितनी राशि की आवश्यकता है वो उसको मिल जाए। तो इसके लिए वो तीन चीज़ें बेचता है। तो पहले उस जो चीज़ें उसने बेची है उसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों को बेचने से उसको क्या है रुपए मिलेंगे, ठीक है? हम कभी भी कोई भी चीज़ बेचते हैं तो हमें क्या है, हमें क्या मिलती है, राशि मिलती है ना। तो इन तीनों चीज़ों को बेचने पर उसे कितनी राशि मिलेगी वो निकालना पड़ेगा। तो हम एक बार इसका क्या करते हैं, हम प्रश्न पहले का हल करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिखूँगी, पहले हम इन तीनों को प्लस करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, इसलिए जूट 1225 रुपये, ठीक है? इसके बाद गाय वो 5025 में बेच रहा है और बकरी वो बेच रहा है 1900 रुपये। तो इन तीनों चीज़ों को बेचने पर उसे क्या है, पैसे मिले हैं, तो इसलिए तीनों को प्लस कर देंगे। 5 और 5 10 का 0, हासिल 1, 2 और 2 4 और हासिल 1, 5, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही आएगा, 2 में 9 जोड़ेंगे 11, 11 का 1 हासिल लगी 1, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 में 1 हो जाएगा, 8105 रुपये उसको इन तीनों चीज़ों को बेचने पर इतनी राशि प्राप्त हुई, ठीक है? 8150 रुपये। लेकिन उसको कितने की आवश्यकता है, मरम्मत के लिए उसको जो आवश्यकता है 9175 रुपये की। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को करोगे, उसके बाद आप ये चीज़ लिख देना विजय। अब एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, मैं यहाँ पे कर रही हूँ इस तरफ, तो ऐसे नहीं है आपको भी इस तरफ करना है, आपको क्या करना है, ये करने के बाद उसके नीचे आपको लिखना है, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी हल दूसरा भी करवाना है ना, इसलिए। तो विजय को क्या है, मरम्मत के लिए विजय को राशि, धनराशि की आवश्यकता, कुल धनराशि की आवश्यकता,
9175 रुपये। अब उसने 8150 रुपये की तीन चीज़ें बेची है ना, तो उसको कितने ये 8150 के है उसने बेच चीज़ें बेची उससे मिली। यहाँ पे लिख देते हैं धनराशि प्राप्त विक्रय से या विक्रय करने से लिख देते हैं विक्रय करने से धनराशि प्राप्त हुई या ऐसे लिख दो आप विक्रय करने से प्राप्त हुई धनराशि करने से प्राप्त हुई धनराशि ठीक है। कितनी धनराशि मिली है 8150। अब उसमें से हम घटा देंगे तो हमें क्या आ जाएगा उसको और कितने रुपए की आवश्यकता है वो आ जाएगा ठीक है। पाँच में से जीरो घटाएंगे पाँच, सात में से पाँच घटाएंगे दो, एक में से एक घटाएंगे जीरो, नौ में से आठ घटाएंगे तो 1025 रुपये की उसको और आवश्यकता है। 1025 रुपये की और आवश्यकता है ठीक है। ये आपका उत्तर 1025 इसका उत्तर ठीक है। अब हमारा जो प्रश्न का हम सॉल्यूशन करेंगे हल करेंगे दूसरे प्रश्न का। दो संख्याओं का जोड़ 5983 है। दो संख्याएं हैं कोई भी दो संख्या है उसका जोड़ उनको जोड़ने पर 5983 उसका उत्तर आता है ठीक है। दो संख्याओं को जोड़ने पर क्या उत्तर आता है 5983। उसमें से एक संख्या 2178 है तो दूसरी संख्या बतानी है। अब देखो कभी भी दो संख्याओं का जोड़ का उत्तर आपको दिया हुआ हो प्रश्न में और आपको उसमें से एक संख्या प्रश्न में दी हुई हो, दो संख्याओं का जोड़ का उत्तर दिया हुआ और उसमें से एक संख्या अगर आपको दी गई हो तो और दूसरी संख्या बतानी हो तो ऐसे प्रश्न में हमेशा माइनस करना ठीक है। ऐसे प्रश्न में हमेशा क्या करना माइनस करना घटाना। तो दो संख्याओं का जोड़ दो संख्याओं का जोड़ 5983 उसमें से एक संख्या तो क्या है प्रश्न में क्या दी हुई है 2178। दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे घटाएंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी घटाने पर 13 में से 8 घटाएंगे 5, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 में से 7 0, 9 में से 1 घटाएंगे 8, 5 में से 2 घटाएंगे 3805 इसका क्या होगा दूसरी संख्या आ जाएगी ठीक है। अब देखो जैसे मैं आपको बताती हूँ चेक करने का कैसा तरीका है। दोनों एक संख्या और दूसरी संख्या दोनों को जोड़ का आंसर क्या होना चाहिए ये होना चाहिए। तो 8 और 5 अगर जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 8 हो जाएगा, 8 और 1 9 और 3 4 5 यही तो है दो संख्याओं को जोड़ का उत्तर क्या है ये वाला है ना। तो ये आएगा ना दोनों संख्या 2178 और 3805 को जोड़ने पर ऊपर वाली संख्या आएगी ना 5983 ठीक है। तो इस तरीके से हो तो आपको घटाना है। सो सब बच्चे इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना और आगे हम कल की क्लास में और आगे के प्रश्न करेंगे ठीक है। थैंक।